जय गो माता दी। जय गो माता दी। स्थिति जी, आपने बताया कि पिछले 40 सालों से आप गौहत्या को बंद करने के लिए दिन रात एक कर रहे हो। अब ये बताओ कि पिछले 40 साल से पहले आपकी गौ भक्ति की हिस्ट्री क्या है? जय गो माता के, जय श्री राम। मेरी तकरीबन जो एज है 60 के करीब है। मैं बचपन से ही गायन से प्रेम करता हूं। जब मैं पैदा हुआ, मेरे घर में मेरे दादाजी ने देसी गाय रख रखी थी, उसी का दूध पी करके मैं पला बड़ा। जब मैं 6ठी क्लास में था तो हमारे मोहल्ले में कुछ लोग जालीदार टोपी पहन करके ड्रम लेकर के आवाज लगाया करते थे ऊंची आवाज में, 25 पैसे लीटर दूध, 25 पैसे लीटर दूध। तो हम बाहर आकर के देखते थे लोग दूध लिया करते थे, हम भी उनसे दूध लेकर के खीर वगैरह 2-4 किलो दूध ले लिया करते थे और खीर वगैरह बनाया करते थे। तो मेरे को नहीं पता था भाई ये हिंदू कौन होता है, मुसलमान कौन होता है। तो उस वक्त दूध की कीमत 50 पैसे लीटर होती थी, वो 25 पैसे में सुबह सुबह 6 बजे के करीब वो दे जाते थे। तो ऐसा बहुत बचपन से मैं देखता था। तो जब मैं 6ठी क्लास में हुआ तो मेरा स्कूल पहले मेरा घर के पास था, तो फिर उसके बाद मैं बड़े स्कूल में जो मैट्रिक तक था वो 1 किलोमीटर दूर मेरे घर से था। तो हम पैदल जाया करते थे, रेलवे स्टेशन से लाइनें क्रॉस करके हमारा रास्ता था। तो मैंने क्या देखा, एक ट्रेन खड़ी है और उसमें डिब्बों के अंदर गायें हैं और वही टोपी वाले लोग ड्रम दूध के लेकर के वहां से निकल रहे थे। तो मुझे बात फिर समझ में आई, ये जो दूध है ये इस ट्रेन में से जो गायें खड़ी हैं उसमें से लेकर के बेचते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जा रही है गाय को लेकर के। तो मैंने पूछने की कोशिश की, मेरे को किसी ने नहीं बताया। समय बीतता गया, 10वीं क्लास में जब मैं हुआ तो मेरे को बनूड रोड पे, जो रोपड़ से रोड बनूड पहुंचता है, वहां पर तकरीबन 10,000 के करीब बैल होगा, जिसको 50-50 बैल एक एक बंदा जालीदार टोपी वाला उसको हांक करके लेके जा रहे थे हरियाणा की तरफ। तो मैंने उनसे पूछा ये बैल कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। मैंने कईयों से पूछने की कोशिश की तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया। बहुत लंबी लाइन थी, तकरीबन मैं मेरे को लगता वो 7-8-10 किलोमीटर लंबी बैलों की लाइन होगी। तो मैं इसके बारे में सोचता रहा भी ये क्या चक्कर है, इतने बैल कहाँ जा रहे हैं। बचपन से देख रहा हूँ ट्रेनें भर भर के गाय की जा रही है। तो मैं दोबारा उसी तरीक को महीने की फिर दोबारा गया तो फिर वही बैल एक महीने बाद देखा तो बैल लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने पूछने की कोशिश की, मेरे को किसी ने नहीं बताया। तो फिर मैंने एक बंदे को पकड़ा तो उसको खेत में ले गए, सामने उसमें गन्ने का खेत था वहां पर ले गए। फिर हमने अपने तरीके से उससे पूछा भी बता ये बैल कहाँ जा रहे हैं। तो हमने जब उनसे नहीं बताया उन्होंने, तो फिर हमने अपने बल का प्रयोग किया, डंडा उठाया तो फिर बताया उन्होंने जो ये बैल हैं वो बंगाल में कलकत्ता जा रहे हैं। मैंने पूछा इतने बैल खेती के लिए जा रहे हैं क्या। तो उन्होंने बताया नहीं, ये स्लॉटरिंग के लिए, ये वहां जाकर के कटते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, इतना बैल पंजाब से हजारों की तादाद में हर महीने ये कटने के लिए जा रहा है। तो ये तो बैल तो हमारे देश को पालने वाले हैं, हमें पालने वाले हैं, खेती करके आज तक इन्होंने पाला है, तो इसकी इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है। तो मेरे पास, मैंने वो बैल छुड़वा दिए जो उसके बैल थे, तो हमने रस्से खलवा के छोड़ दिए। मेरे पास कोई गौशाला नहीं थी, ना मुझे कोई गौशाला वाला जानता था। तो मैंने सोचा इतने बैल मैं पकड़ भी लूं
मैं पकड़ने की कैपेसिटी रखता था क्योंकि मैं बहुत तकड़ा था, जिम लगाया करता था। तो उस वक्त मैं स्टेट का भी चैंपियन था पावर लिफ्टिंग का, तो मैंने सोचा अगर मैं सारे बैल पकड़ लूंगा तो इसको रखूंगा कहां। तो मैंने हर महीने वहां पर जाना, ऐसे ही पकड़ लेना उनको बीच में से किसी को, कसाई को, तो उसको खेत में ले जा करके उसकी डंडे के साथ पिटाई करके बैल उसके छोड़ देने, रस्सा खोल देना। तो ऐसे करता धीरे धीरे उनको पता चल गया। तो मैंने उनसे, कसाई से पूछा, ये तो गाय की ट्रेनें भी जाती हैं पंजाब से, यहां से राजपुरा से भी मैंने ट्रेनें देखी है, दूध वाली गाय जाती है। कह रहे कोई दूध वाली नहीं है, वहां जाके सभी गाय ये कट जाती है। तो फिर मुझे समझ आया भी ये लोग हैं पंजाब से जितना भी गोवंश लेकर के जा रहे हैं वो काटने के लिए लेकर जाते हैं। फिर अगली बार जब ट्रेन वहां पर खड़ी हुई राजपुरा में, तो मैंने अपने साथियों को लेकर के, शहरवासियों को लेकर के ट्रेन के आगे लेट गए। तो सारी रात हम लाइनों पर बैठे रहे, तो हमने ट्रेन आगे नहीं बढ़ने दी। आखिरकार वो जो गाय है गाड़ी से नीचे उतारनी पड़ी, तो वो हमने गौशाला में छोड़ी कहीं। तो वो गाय फिर दोबारा से, मैंने उनको बोला, रेलवे को भी बोला भी अगर ये गाय यहां से जाएगी तो हम नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद फिर दो तीन हमने डेरा बसी के पास कग्गर स्टेशन है वहां पर बैलों की ट्रेनें भी रोकी। तो फिर हमने एक रिट भी लगाई, तो जिसमें स्टे कराया भी जो गौवंश है ट्रेन में नहीं जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में मेरी यहां से स्टार्टिंग हुई थी। बचपन से ही मुझे गौवंश से प्रेम था, तो ये जो शौक है उस वक्त मुझे इस गौ माता को बचाने का जो जज्बा है मेरे अंदर पैदा हो गया। तो उस वक्त जो मैंने डंडा उठाया, तो आज पूरे देश में आप देख रहे हो जो हमारी टीमें डंडे के साथ ही गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। जय गौ माता।